हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम है सुमित और मैं आप सभी लोगों का हार्दिक हार्दिक अभिनंदन करता हूं आपके अपने केमिस्ट्री चैनल पर। आई होप आप सभी बढ़िया होंगे और आपकी प्रिपरेशन भी बढ़िया चल रही होगी दोस्तों। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कॉन्सेप्ट ऑफ एसिड एंड बेसिस और आज हम देखेंगे लेविस थ्योरी। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। एसिड एंड बेस थ्योरी को अगर हम देखते हैं तो हमारे पास में थ्री कॉन्सेप्ट्स हैं, अरेनियस थ्योरी, ब्रॉन्स्टेड एंड लॉरी कॉन्सेप्ट एंड लेविस थ्योरी। तो आज हम पढ़ने वाले हैं लेविस थ्योरी। अगर आप अरेनियस कॉन्सेप्ट और ब्रॉन्स्टेड कॉन्सेप्ट इसको अगर आप समझना चाहते हैं डिटेल में, तो आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक देख सकते हैं और वहाँ से आप अपने कॉन्सेप्ट क्लियर कर सकते हैं विथ रिस्पेक्ट टू अरेनियस एंड ब्रॉन्स्टेड थ्योरीज। तो चलिए अब हम फोकस करेंगे हमारे लेविस कॉन्सेप्ट पर। तो जैसा कि यहाँ पर आप देख सकते हैं, सबसे पहले आया 1887 में अरेनियस कॉन्सेप्ट, देन 1923 में आया ब्रॉन्स्टेड कॉन्सेप्ट एंड देन लेविस कॉन्सेप्ट आया आपका 1938 में। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, लेविस थ्योरी में एसिड्स एंड बेस ओके, इनको किस तरह से एक्सप्लेन किया गया देखते हैं। देखिए, लेविस थ्योरी ने एसिड को क्या कहा कि ऐसी स्पीशीज जो एक्सेप्ट कर सकते हो, विच कैन एक्सेप्ट पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ओके, ऐसे स्पीशीज जो कि इलेक्ट्रॉन पेयर्स को एक्सेप्ट कर सकते हो, या फिर हम क्या बोल सकते हैं कि ये क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, तभी तो इलेक्ट्रॉन पेयर्स को एक्सेप्ट करेंगे। ओके, वहीं पर लेविस कॉन्सेप्ट में बेस को किस तरह से डिफाइन किया गया, तो ऐसे केमिकल स्पीशीज जो कि डोनेट कर सकते हो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, विच कैन डोनेट पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ओके, या फिर हम इनको क्या बोल सकते हैं, इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशीज है ये, या फिर क्या है, ये इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशीज है। ओके, तो ये तो हो गई डेफिनेशन, अब देखते हैं कुछ एग्जांपल्स। तो देखिए, लेविस कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंगली एसिड्स के कुछ एग्जांपल्स, हमने क्या बोला, एसिड्स क्या होते हैं जो कि इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है। ओके, तो जैसे एच पॉजिटिव, जैसे AlCl3, जैसे कि BF3, जैसे कि Ag पॉजिटिव, या फिर आपका Cu2 पॉजिटिव, या फिर आपका PCl5, या फिर आपका SO3, या फिर आपका ZnCl2, ओके, या फिर आपका SiF4। तो ऐसे काफ़ी सारे स्पीशीज हो सकते हैं जो कि इस कंडीशन को फॉलो करते हो, मतलब इलेक्ट्रॉन पेयर्स को एक्सेप्ट कर सकते हो। ओके, अब अगर हम बेस की बात करें, तो बेस अकॉर्डिंग टू लेविस कॉन्सेप्ट क्या होते हैं, जो इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट कर सकते हो। तो कुछ एग्जांपल देख लेते हैं, जैसे कि अमोनिया, देख सकते हो अमोनिया में नाइट्रोजन के ऊपर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं, या फिर आपका PH3, PH3 में भी फास्फोरस के ऊपर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं, या फिर आपका OH नेगेटिव, और नेगेटिव साइन इटसेल्फ शो कर रहा है कि इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट कर सकता है, या फिर आपका NH2 नेगेटिव, ओके, या फिर आपका F नेगेटिव, Cl नेगेटिव। तो ऐसे कई सारे स्पीशीज हो सकते हैं जो इलेक्ट्रॉन पेयर को अपने डोनेट कर सकते हो। ओके, जैसे एक एग्जांपल देखते हैं, जैसे BF3, ओके, ना BF3 को अगर हम देखें तो BF3, ओके, यहाँ पर बोरोन के अराउंड कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो बोरोन के अराउंड 1, 2, 3, 4, 5, 6, थ्री बॉन्ड्स हैं, मतलब सिक्स इलेक्ट्रॉन, सिक्स शेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं अराउंड बोरोन, तो बोरोन के पास में ऑक्टेट इनकम्प्लीट है। अब अगर हम यहाँ पर अमोनिया को अगर देखें, तो अमोनिया, ये रहा मेरा अमोनिया,
अमोनिया के पास में लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है। तो अमोनिया का ये जो नाइट्रोजन है इसके पास में इलेक्ट्रॉन, मतलब ऑल दो ऑक्टेट कंप्लीट है नाइट्रोजन की, बट यहाँ पर अवेलेबल है लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो ये क्या करता है, अगर बोरोन का इसमें कुछ फायदा हो जाए, बोरोन के पास में देखो ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगी, तो यहाँ पर देख सकते हो आप बोरोन, और बोरोन के पास में ये आ गए हैं इलेक्ट्रॉन्स। ये इलेक्ट्रॉन्स कहाँ से आए हैं, नाइट्रोजन से, और ये नाइट्रोजन के अराउंड 3 हाइड्रोजन एटम्स हैं, और ये बॉन्ड यहाँ पर बना। ओके, और यहाँ पर बोरोन के अराउंड 3 फ्लोरीन एटम है। ओके, तो अब आप देखेंगे कि बोरोन का यहाँ पर क्या हो गया, फायदा हो गया। बोरोन के अराउंड कितने इलेक्ट्रॉन्स हो गए, 8 इलेक्ट्रॉन्स हो गए। ओके, तो यहाँ पर ये आप देख सकते हो कि BF3 ने लोन पेयर एक्सेप्ट करे, तो BF3 यहाँ पर क्या हो जाएगा, एसिड। कौन सा एसिड, लेविस एसिड। वहीं पर NH3 ने लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स डोनेट करे, तो ये क्या हो गया, लेविस बेस। ओके फ्रेंड्स, अब दोस्तों अगर हम लिमिटेशन की बात करें तो लिमिटेशन ऑफ लेविस कॉन्सेप्ट, तो देखिए लिमिटेशन में अगर देखें तो यहाँ पर मेजरली अगर हम देखें तो एक लिमिटेशन हम डिस्कस करते हैं कि ये जो कॉन्सेप्ट है ये कंपैरिजन नहीं कर पाता है स्ट्रेंथ ऑफ एसिड्स एंड बेसिस को। तो इट फेल्स टू कंपेयर कंपेयर स्ट्रेंथ ऑफ एसिड और बेस। ओके, मतलब मैं अगर आपको दो, जैसे मैंने आपको दे दिया कॉपर प्लस टू और Ag पॉजिटिव, ये दोनों मैं कह रहा हूँ कि लेविस एसिड की तरह एक्ट कर सकते हैं, बट मैं पूछता हूँ यहाँ पे कौन ज़्यादा स्ट्रांग लेविस एसिड है। तो इस कॉन्सेप्ट से, लेविस कॉन्सेप्ट से हम एक्सप्लेन नहीं कर पाते हैं इस पॉइंट को। इस वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय।